सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम आपके सामने ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो कि हमारे रायबरेली का नाम बहुत ही ज़्यादा रोशन कर चुके हैं। इनका नाम है अर्णव मिश्रा और इन्होंने IAS क्वालिफाई कर लिया है और इनकी रैंक ऑल ओवर इंडिया 56 रैंक है। तो चलिए आप गुफ्तगू करते हैं और आपको बताते हैं कुछ जो ऐसे पॉइंट जो हर एस्पिरेंट जानना चाहता है कि कैसे हम लोग तैयारी करें वगैरह वगैरह। सर से बात करते हैं क्योंकि अब मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि सर से कुछ दो शब्द सुने। सर अब हमें ये बताइए कि IAS का रोल क्या होता है एक सिटी में या एक डिस्ट्रिक्ट में। देखिए IAS ऑफिसर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जिसका काम होता है एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करना, मतलब कि पूरे सिटी का लॉ एंड ऑर्डर संभालना। जब वो एज अ DM काम करते हैं एक IAS ऑफिसर, क्योंकि IAS ऑफिसर्स की बहुत सारी पोजीशंस होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम SDM जो कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है जो कि तहसील लेवल से काम करता है, वहाँ से होते हुए फिर वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर और इस तरीके से करके आगे जाके सेक्रेटेरिएट तक जाता है। तो एक IAS ऑफिसर जब अपने फील्ड में होते हैं तो वो इन सारी पोजीशंस को हेड करते हैं जो कि SDM हो गई, देन CDO हो गई, देन DM हो गई, जो कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम DM एज अ पोजीशन सुनते हैं एक IAS ऑफिसर के लिए। तो अगर मैं एक DM की बात करूँ तो एक DM के दो मेजॉरिटी ऑफ रोल्स होते हैं, जो दो मेजर रोल्स होते हैं उसमें एक जब वो CRPC के अंडर एज अ मजिस्ट्रेट काम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, और वही सेम इंसान जो है एज अ रेवेन्यू कलेक्टर जब काम करता है जो कि पूरे ज़िले का क्या रेवेन्यू किस तरीके से सरकार के पास पहुंच रहा है तो तब वो कलेक्टर कहलाते हैं। यही दो शब्द हम मेनली सुनते हैं है ना, कि कलेक्टर या DM। इसके अलावा जितना भी ज़िले का एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़, वो सारा का सारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उनकी ही गाइडेंस में होता है और वो इन सब चीज़ों को ओवरसी करती हैं। फिर हायरार्की में SDMs होते हैं, देन उसके ऊपर कमिश्नर्स होते हैं जो कि एक जो मंडल होता है, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ 18 मंडल हैं। अच्छा। हाँ, तो हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स जब एक साथ जोड़ते हैं तो मंडल बनता है और उनमें मंडल कमिश्नर्स होते हैं, वो भी सीनियर IAS ऑफिसर्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ एक हायरार्की का सिस्टम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी सर जो होते हैं वो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक IAS ऑफिसर देखता है, इस तरीके से पूरा मैनेज होता है। जी कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और उसने ये जो मेरी रैंक आई है उसके उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि देखिए जनरल स्टडीज़ की जो पढ़ाई होती है वो सभी के लिए कॉमन होती है, हर बच्चा उसको करता है, प्रीलिम्स देके जो भी बच्चा आगे बढ़ता है उसको एक जनरल स्टडीज़ की एक बहुत ही अच्छी बेसिक नॉलेज होती है। लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं हमारे वो डिफरेंस मेक करते हैं, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर UPSC आपको अपने हिसाब से चुनने का मौका देता है। तो जो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है अगर आप उसे चुनेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, अगर बच्चा 12th के बाद ही तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए कुछ आप टिप्स दे सके अपनी तरफ से कि और क्या क्या उसमें करना चाहिए? देखिए अगर आपने इतनी जल्दी मन बना लिया है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपका ग्रेजुएशन है आपको, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज में बैठने की मिनिमम क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएट है, तो आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स पर भी बहुत अच्छा ध्यान देना है जिससे कि आपका कमांड उन सब्जेक्ट्स पर भी हो। क्योंकि होगा क्या कि हो सकता है जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है आप उसी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना चाहें आगे सिविल सर्विसेज में, तो अगर आपने उस समय मेहनत करी होगी ग्रेजुएशन में तो वो आगे जाके आपको उतनी मेहनत बचेगी, आपको आप जल्दी से जल्दी निकाल पाएंगे। साथ ही साथ जब आप पर्सनालिटी टेस्ट जो कि लास्ट स्टेज होता है, मतलब प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में जो इंटरव्यू का स्टेज होता है, जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो जो इंटरव्यू बोर्ड होगा उसके सामने आपकी पूरी जिसको कहते हैं कुंडली होगी एक तरीके से, मतलब आपका पूरा अभी तक का इतिहास, आपकी पूरी एजुकेशन बैकग्राउंड रहेगी। तो अगर वहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे आपके आपसे वो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए मार्क्स मैटर नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट आपने जहाँ से ग्रेजुएशन की है आपका उस पर कमांड होना चाहिए, आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम होगी तब आपको वहाँ पे भी इशू आएगा। तो इसलिए आप अपना तैयारी साथ में चलते चलें, लेकिन साथ ही साथ अपने ग्रेजुएशन पर भी बराबर फोकस बनाए रखें। सर अच्छा, आपका पर्सनल कोई डीमोटिवेशन लाइफ में जो आया हो उससे आप कैसे निकले हैं बाहर? मैं कहूँगा मैं इतनी बार ऐसी स्थिति आती है और मेरे साथ ही क्या, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे जो ऑफिसर्स मेरे साथ सेलेक्टेड हुए हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो सेलेक्टेड हुए हैं, देखिए किसी भी जो एक लंबी जर्नी होती है, कोई भी एक बड़ा टारगेट होता है, तो उसमें फेलियर्स, डीमोटिवेशन और जो थकान, परेशानी, चिंता, दुख, ये सब उसका एक पार्ट होती हैं। हम अगर इनको ऐसा मानेंगे कि ये हो ही ना और हम सिर्फ मतलब एक के बाद एक सिर्फ सक्सेस अचीव करते जाएँ तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, ये मतलब कहना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हर इंसान फेलियर फेस करता है, हर इंसान दुख फेस करता है। तो उसी प्रकार मेरा भी, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, UPSC का भी, UPPCS का भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर उसके बाद RBI ग्रेड बी का नहीं हुआ, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, EPFO का भी नहीं हुआ, इसी तरह कई एग्ज़ाम्स दिए उनमें नहीं हुआ कहीं पर भी। और ये मैंने 2018 से शुरू करी थी फाइनली, और
सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने दिया तो सिविल सर्विसेज में फॉर्चुनेटली मेरा हो गया और मुझे दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज मिला था। तो वहाँ से फिर एक जर्नी शुरू होती है। फिर मेरा यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हुआ जहाँ पे मुझे रैंक 16 मिली और डेप्यूटी कलेक्टर मैं प्रेजेंटली पोस्टेड भी हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ लखनऊ में। और उसके बाद ये थर्ड अटेम्प्ट था फाइनली 5 साल के बाद, जहाँ पे जाके आज ये सिविल सर्विसेज में रैंक 56 आई है। तो ये था सर का एक बहुत ही ज़रूरी, जो उन्होंने अपना समय निकाल के हमें दिया पहले, तो इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद सर। ये था सर का छोटा सा इंटरव्यू, इसमें आप लोग को भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। जो लोग इस चीज़ को देखना चाह रहे होंगे उनका हमने आज छोटा सा प्रयास करके पूरी करी ज़रूरत। इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में।